हेलो एवरीवन फिर से मैं आप लोगों के लिए एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ स्टेलाइजेशन एंड डिसइंफेक्शन प्रोसेस कौन से स्टेलाइजेशन की मेथड्स होती हैं स्टेलाइजेशन की फिजिकल केमिकल रेडिएशन मेथड एवरीथिंग मैं आप मैं आपसे डिस्कस करूंगा वीडियो थोड़ी सी लंबी होने वाली है क्यों लंबी होने वाली है क्योंकि मैंने एक ही वीडियो में आपको ओवरऑल पूरा एक्सप्लेन कर दिया ठीक है तो प्लीज़ वीडियो को ध्यान से देखिए समझिए एक एक नोट्स मैंने प्रॉपर प्रोवाइड किया आप लोगों को इसमें अच्छे से समझना ऐसा मत सोचो कि लंबी वीडियो लंबी वीडियो इसीलिए है क्योंकि आपको मैंने सब चीज़ें इसमें एक्सप्लेन किए मैं पार्ट वन पार्ट टू बनाने में नहीं बनाया मैंने पूरी एक ही वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया तो स्टार्ट करते हैं है, सबसे पहले समरी की बात करूँगा इंट्रोडक्शन ऑफ स्टेलाइजेशन एंड डिसइंफेक्शन की टाइप्स ऑफ डिसइंफेक्शन डेफिनेशन ऑफ स्टेलाइजेशन डिफरेंट मेथड ऑफ स्टेलाइजेशन यूज एंड एडवांटेज ऑफ स्टेलाइजेशन ओवरऑल ये टॉपिक मैं आपको डिस्कस करूंगा सबसे पहले स्टेलाइजेशन डिस इन्फेक्शन का हम लोग इंट्रोडक्शन डेफिनेशन टाइप्स मेथड ये सब चीज़ें पूरी बात मैं आपको एक ही वीडियो में करने वाला हूँ सो पहले स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे चाहता हूँ कि प्लीज़ आप एक वीडियो को लाइक कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि इससे हमें मोटिवेशन मिलती है हम लोग एम ऑफ स्टेलाइजेशन एंड डिस इनफेक्शन सबसे पहली चीज ये है कि एम क्या है क्या मकसद है क्या हम करते क्यों है क्या एम एस्टिलाइजेशन का देखिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया वायरस फंगस एंड पैरासाइट देखो माइक्रो ऑर्गेनिज्म में सब आता है बैक्टीरिया भी आता है वायरस भी आता है फंगस भी आता है पैरासाइट भी आता है विच आर प्रजेंट एवरीवेयर एवरीवेयर मतलब हर जगह बॉडी के अंदर भी है बाहर भी है दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कंटामिनेशन एंड इन्फेक्शन कंटामिनेशन मतलब ख़राब करना इन्फेक्शन फैलाना बीमारियों को कोस करना ठीक है द एम ऑफ स्टेलाइजेशन एंड डिस इन्फेक्शन इज़ टू रिमूव और डिस्ट्रॉय ऑल ऑर्गेनिज्म फ्रॉम एनी सरफेस एंड एनी मीडियम देखिए किसी भी जगह से किसी भी सरफेस से जैसे कि फर्श हुआ आपकी बॉडी हुई आपकी बॉडी के अंदर वाले पार्ट हुए कहीं भी जगह से बैक्टीरिया मतलब कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया वायरस फंगस को रिमूव करना मतलब कि हटाना डिस्ट्रॉय करना किल करना माइक्रो ऑर्गेनिजम को सरफेस मीडियम किसी भी मीडियम से इस ये मेन एम होता है स्टेलाइजेशन एंड डिसइंफेक्शन का नीचे वाली लाइन देखिएगा इस्टेलाइजेशन एंड डिसइंफेक्शन डिफरेंट टू ईच अदर देखो इस्टेलाइजेशन और डिसइंफेक्शन बहुत अंतर है दोनों में बहुत इंपॉर्टेंट है और दोनों में बहुत ज़्यादा कॉमन सा डिफरेंट है मैं आपको बताता हूँ नेक्स्ट चीज़ पढ़िए सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे डेफिनेशन ऑफ डिसइंफेक्शन इन्फेक्शन के डेफिनेशन होती क्या है एक्चुअल में अप्रोसेस इन विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिमूव और न्यूट्रिलाइज फ्रॉम एनी सरफेस और मीडियम दैट इज नॉन एज डिस इन्फेक्शन क्या बोल रहा है डेफिनेशन में अप्रोसेस एक ऐसी प्रक्रिया ऑर्गेनिज्म जिसमें कि ऑर्गेनिज्म मतलब वही बैक्टीरिया वायरस पेरासाइट एनीथिंग इज रिमूव और न्यूट्रेलाइज रिमूव मतलब कि हटा देना न्यूट्रेलाइज मतलब उसको इनएक्टिव कर देना इनएक्टिव मतलब कि वो हमें नुकसान ना पहुंचा एनी सरफेस किसी भी जगह में से किसी भी मीडियम में से इस प्रोसेस को डिसइंफेक्शन हम कहेंगे फिर से रिपीट करता प्रोसेस इन वर्ड क्यों यूज कर रहा हूं मैं आपको स्टेलाइजेशन में बताऊंगा नेक्स्ट पॉइंट इन दिस प्रोसेस दोज एजेंट आर यूज टू फोरफेक्शन विच इज कॉल्ड डिस इनफेक्टेड देखो इस प्रोसेस में डिसइंफेक्शन करने के लिए जो एजेंट का इस्तेमाल हो रहा है ना दैट इज नॉन एज डिसइंफेक्टेंट उसे डिसइंफेक्टेंट कहेंगे हम देखो लास्ट वाली लाइन बाय डिसइंफेक्शन प्रोसेस ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है बहुत अच्छे से समझना बाय डिसइंफेक्शन प्रोसेस ऑल ऑर्गेनिजम्स कैन नॉट बी किल्ड एंड डिस इन्फेक्शन इज नॉट एबल टू तो रिमूव इट किल और किल स्पोर्स देखो डिसइंफेक्शन प्रोसेस के थ्रू ऑर्गेनिज्म को पूरी तरह से नहीं मारा जा सकता डिस एबल नहीं है रिमूव और किल करने में स्पोर्स को अभी स्पोर्स क्या होता है सर आप पूछोगे स्पोर्स क्या होता है सर स्पोर ये होता है कि जब बैक्टीरिया को अनफेवरेबल कंडीशन मिलती है जब उसे न्यूट्रिशन नहीं मिलता तो उसकी आत्मा को कैद कर लेता मतलब उसके डीएनए को सेपरेट करके पटक देता है हजारों लाखों साल तक पड़ा रहेगा स्पोर सेफ रहेगा स्पोर्स का कुछ नहीं बिगड़ता जब न्यूट्रिशन मिलेगा फिर से एक्टिव हो जाएगा दैट इज अ स्पोर्स इसे हम स्पोर्स कहेंगे तो भाई कुल मिला के बात यह है कि डिसइनफेक्शन ऐसी प्रोसेस जिसमें बैक्टीरिया वायरस को निकाला जाता है पूरी तरह से किल नहीं होते हैं ये हाफ हाफ रह जाते हैं मतलब प्रॉपर नहीं किल बस हमें इनएक्टिव हो जाएंगे न्यूट्रलाइज हो जाएंगे नेक्स्ट पेज पे बढ़ता हूँ मैं आपको टाइप्स ऑफ डिसइंफेक्शन के टाइप क्या होते हैं नंबर वन आता है एंटीसेप्टिक बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखिएगा आप टाइप्स ऑफ डिस के क्या टाइप्स है सबसे नंबर वन पे है हमारा एंटीसेप्टिक अभी एंटीसेप्टिक क्या है एंटीसेप्टिक इज अ केमिकल विच कैन बी अप्लाई ऑन लिविंग टिश्यू इट प्रिवेंट टिश्यू और स्किन फ्रॉम दी इन्फेक्शन प्रिवेंट मतलब कि क्या बचाना टिश्यू और स्किन को फ्रॉम कहाँ से इन्फेक्शन से बचाता है एंटीसेप्टिक जैसे कि हम लोग लोशन वगैरह लगाते हैं देखो पैरों पे यहाँ पे डायग्राम में दिया हुआ है इसको लगी हुई है इसने ये एंटीसेप्टिक लगाया लोशन लगाया दैट इज़ अ एंटीसेप्टिक इन्फेक्शन नहीं होता है किसी भी चीज़ के ऊपर लोशन लगाने से ठीक है स्किन टिश्यू पर हम अप्लाई कर सकते हैं नेक्स्ट थिंग इज डिकंटामिनेशन डिकंटामिनेशन भी एक प्रकार की डिसइंफेक्शन की ही प्रोसेस होती है इट इज़ अ प्रोसेस इन विच ऑर्गेनिज्म इज रिमूव और न्यूट्रलाइज फ्रॉम एनी ऑब्जेक्ट एंड सरफेस ऑफ पर्सन किसी भी पर्सन के शरीर से किसी जगह से डिकन्टामिनेट कर देना अब आप कोविड के समय में स्टेलाइजर यूज़ कर रहे थे स्प्रिट अल्कोहल यूज़ कर रहे थे हैंड वॉश क्लीन कर रहे थे तो वो क्या है डिस डिकन्टामिनेशन एजेंट होता है प्रोसेस होती है जिसमें ऑर्गेनिज्म को रिमूव किया जाता है फर्श को साफ करना डायग्राम में आप देख सकते हो या कुछ माइक्रोबायोलॉजिकल चैम्बर इसको क्लीन कर रहे हैं ठीक है, है? फ़र्श को साफ फ़िनाइल का पोछा लगा तो फिनाइल इज़ अ डिकनटामिनेशन एजेंट नेक्स्ट फेज पे पढ़ता हूँ मैं टाइप्स ऑफ डिस इन्फेक्शन में कौन सा टाइप आता है नेक्स्ट फ्यूमिगेशन अब ये फ्यूमिगेशन क्या होता है डायग्राम में देखिए ये आपको फ्यूम फ्यूम के थ्रू एक धुएं के थ्रू पूरी जगह को आप लोगों ने अगर गाड़ियाँ देखी होगी तो आपके मोहल्ले से निकलती होगी जो धुआं निकालते हुए चलती है तो वो क्या है वो फ्यूमिगेशन की एक प्रोसेस है जिसमें बैक्टीरिया को किल किया जाता है वायरस को न्यूट्रलाइज इट इज़ द प्रोसेस इन विच क्या होता है सिंपली एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें कि दि, डिसइंफेक्टिंग किया जाता है एनी एरिया और बाय फ्यूमी बड़े एरिया में हम फिनाइल तो डाल नहीं सकते ना भाई अल्कोहल तो हम लोग यूज़ नहीं कर सकते फ्यूम यूज़ करेंगे फ्यूम क्या है भाई केमिकल से निकला हुआ एक ऐसा धुआं है फ्यूम है जो कि बैक्टीरिया इनको न्यूट्रलाइज कर लेता है दैट इज़ अ फ्यूमिगेशन प्रोसेस तो तीन प्रोसेस होती है डिसइनफेक्शन के टाइप में नंबर वन मैंने आपको बताया है डिस सबसे पहली थी आपकी एंटीसेप्टिक नंबर टू पर आपकी आई थी डिकनटेमिनेशन प्रोसेस नंबर थ्री है फ्यूमिगेशन ये फ्यूमिगेशन ये तीनों याद रखना नेक्स्ट पेज पे बढ़ते हैं हम लोग डेफिनेशन ऑफ स्टरलाइजेशन अब मेन मुद्दे पे आते हैं कि स्टरलाइजेशन क्या है मैंने अंतर बताऊंगा मैं भी आपको ठीक है क्या def, क्या है डिफरेंट है बहुत अच्छे से समझिएगा आप स्टेलाइजेशन इज अ स्पेशल प्रोसेस वॉट स्टेलाइजेशन इज अ स्पेशल प्रोसेस स्पेशल टाइप ऑफ प्रोसेस इन विच ऑल माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर रिमूव एंड किल फ्रॉम एनी सरफेस और मीडियम मतलब किसी भी जगह से बैक्टीरिया को माइक्रो ऑर्गेनिज्म वर्ड यूज़ करूँगा मैं क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म में बैक्टीरिया वायरस पैरासाइट फंगस सब आते हैं वहाँ से हर एक बैक्टीरिया को किल करना रिमूव करना पूरी तरह से जबकि हमने डिसइंफेक्शन में क्या किया था रिमूव किया था न्यूट्रलाइज किया था पर हमने बैक्टीरिया वायरस को पूरी तरह से किल नहीं कर पाए थे बट इस्टजेशन एक मात्र ऐसी जिसमें बैक्टीरिया को पूरी तरह से किल किया जाता है अगेन आई एम रिपीटिंग दिस लाइन स्टेलाइजेशन इज अ स्पेशल टाइप ऑफ प्रोसेस इन विच ऑल माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर रिमूव और किल्ड फ्रॉम एनी सरफेस एंड मीडियम बाई दिस प्रोसेस स्पोर्स, सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक हो गई स्पोर्ट हो गए स्पोर्ट्स की जगह द बाई द प्रोसेस स्पोर्ट्स कैन ऑल्सो किल्ड बाय और रिमूव देखो स्पोर्स जो होते हैं ना बैक्टीरिया के उनको भी मारा जा सकता है उनको भी किल किया जा सकता है बट जो डिस इन्फेक्शन आपने देखा ना डिस इन्फेक्शन में ऐसा नहीं होता है डिस इन्फेक्शन में कभी भी बैक्टीरिया और वायरस फंगस के जो स्पोर्स होते हैं स्पोर्स को कभी भी किल नहीं किया जा सकता केवल स्टेलाइजेशन के, के द्वारा ही उसे खत्म करा जा सकता है दिस मैथड इज अ कंप्लीटली किल्ड और रिमूव ऑल डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हर एक अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिजम्स को ईजीली हम लोग किल कर सकते स्टेलाइजेशन प्रोसेस के थ्रू ठीक है नेक्स्ट थिंग आप बढ़िए आगे नेक्स्ट पेज पे अब देखिए नेक्स्ट पेज पे डिफरेंट मैथड ऑफ स्टेलाइजेशन अलग अलग मैथड कौन कौन सी सी मैथड अवैलेबल है स्टेलाइजेशन आप कैसे कर सकते हो कैसे बैक्टीरिया को आप मार सकते हो वायरस को पूरी तरह से देखिएगा मैथड आपको मैंने चार्ट दिया हुआ है सबसे पहले मैं आपसे डिस्कस करूंगा फिजिकल मैथड वॉट इज अ फिजिकल मैथड फिजिकल मैथड में सबसे पहली आती है हीट स्टेलाइजेशन हीट स्टेलाइजेशन फिल्ट्रेशन मेथड और रेडिएशन मेथड। देखो हीट स्टेलाइजेशन मतलब कि गर्म करने वाली विधि नंबर वन मोस्ट हीट स्टेलाइजेशन और ड्राई हीट देखो मोस्ट हीट मतलब होता है मॉइस्चर sure, जिसमें कि नमी उपस्थित हो और गर्मी भी हो जैसे कि स्टीम जो भाप होती है ना वो आग से ज्यादा गर्म होती है क्योंकि स्टीम का टेम्परेचर अबव हंड्रेड हंड्रेड से भी ज्यादा टेम्परेचर रहता है ड्राई हीट वही सिंपल अपन जो गर्म करते हैं लोहे को दपाते हैं गर्म करते हैं दैट एवरीथिंग इज आ हीट स्टिलाइजेशन फिल्ट्रेशन में मेथड में मैं आपसे बाद में डिस्कस करूँगा पहले रेडिएशन मेथड देखिए यूवी लाइट एक्स रे इंफ्रा ये सब रेडिएशन मेथड है यूवी लाइट अपन बच्चों को न्यूबोर्न बेबी को छत पे बिठाते हैं धूप में बिठाते हैं इज मेन रीजन क्योंकि उनकी शरीर पे उनकी बॉडी पे जो ऑर्गेनिज्म है वो यूवी लाइट के थ्रू स्टेलाइज हो जाए तो चलिए इन सबको हम एक एक करके डिस्क, डिस्कस करते हैं देखो वीडियो थोड़ी लंबी है ध्यान से समझिएगा आप ठीक है अब देखो ड्राई हीट मेथड क्या होती है ड्राई हीट के अंदर एक मेथड आती है रेड हीट रेड हीट क्या होती है रेड हीट इज़ अ इम्पोर्टेंट मेथड इन विच लूप्स फोरसेप निडिल आर प्लेस ऑन फ्लेम एंड बिकम दैम ब्रेड सिंपल लैंग्वेज ये है कि किसी भी चीज़ को स्टेलाइज करना है लूप माइक्रोबाइलोजी में एक लूप होता है नाइक्रोन लूप फोरसेप सब समझते हो निडिल मतलब सुई अब उस सुई को फ्लेम मतलब कि आग के आगे रखो और इतनी देर तक रखो कि वो लाल हो जाए आपने बेसिकली सब जगह देखा होगा कि गैस पे आपने कुछ लोहे को गर्म करा और वो एकदम बिल्कुल रेड हो जाएगा तो इसे बोलेंगे रेड हीट अब भाई उसमें मॉइस्चर की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है ना तो ये कौन सी मेथड है ये ड्राई हीट है सूखी मेथड है गर्म करने की देखिए डायग्राम में यहाँ पर ये यह लूप गर्म कर रहे रेड हो गया ये फोर्सेस कुछ आ, सर्जिकल ब्लेड वगैरह जो भी अपन को स्टिलाइज करना है यहाँ पर हम लोग इसको रेड कर सकते हैं नेक्स्ट चीज पे पढ़ते हैं हम लोग यहां से ड्राई हीट मेथड अब देखो ड्राई हीट मेथड में नेक्स्ट एग्जांपल है आपका फ्लेमिंग अब ये फ्लेमिंग क्या होता है देखिए फ्लेमिंग इज आल्सो इंपॉर्टेंट मेथड इन विच दिस मेथड ग्लास स्लाइड एनी ग्लास इंस्ट्रूमेंट आर प्लेस ऑन फ्लेम बट नोट बिकम रेड फिर से रिपीट कर रहा हूं बट नोट बिकम रेड किसी भी इंस्ट्रूमेंट को ग्लास के इंस्ट्रूमेंट को फ्लेम के सामने इतना रखो फ्लेमिंग करो गरम करो ना कि उसे रेड करो दैट इज अ फ्लेमिंग मेथड दो मेथड हुई ड्राई हीट में एक तो हीट मेथड में सबसे नंबर वन पे आती है आपकी रेड हीट दूसरी है फ्लेमिंग रेड हीट में किसी भी इंस्ट्रूमेंट लोहे की चीजों को लाल किया जाता है फ्लेमिंग में ओनली गर्म किया जाता है नेक्स्ट ड्राई हीट मेथड का और एग्जाम्पल है hot air own ये बहुत बार आपको कंपटीशन एग्जाम में जगह-जगह पर इसके क्वेश्चन आते हैं और सेपरेट फाइव नंबर का क्वेश्चन नर्सिंग एग्जाम में माइक्रोबायोलॉजी की जो एग्जाम होती है डीएमएलटी बीएमएलटी सब में आता है ओटी के लिए भी इंपॉर्टेंट है ऑपरेशन थिएटर वालों को भी माइक्रोबायोलॉजी पढ़नी पड़ती है उनको भी और स्टरलाइजेशन तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है ही सभी सब सबको हॉट एयर ऑन इज अ इंस्ट्रूमेंट विच इज़ कॉमनली यूज इन अ हॉस्पिटल फॉर स्टेलाइजेशन प्रोसेस इट इज़ अ टाइप ऑफ ड्राई हीट मेथड सिंपल बात है बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है कॉमनली यूज होता है और मेनली टाइप है ड्राई हीट का क्योंकि एक सिंपल याद रखो हॉट मतलब गरम एयर मतलब कि हवा ओवन मतलब कि सब समझते हो एक ऐसा चेंबर जिसमें गरम हवा को प्रवाहित करके उस बैक्टीरिया वायरस को क्योंकि भाई हीट करना है जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे बैक्टीरिया वायरस ऑटोमेटिकली न्यूट्रलाइज होते जाएंगे अब ये चेम्बर है जिसे हॉट एयर ऑन बोल रहे हैं हॉट एयर ऑन एक स्पेशल टाइप का इंस्ट्रूमेंट होता है जो कॉमनली यूज होता है हॉस्पिटल में स्टेलाइजेशन प्रोसेस में ड्राई हीट का एक एग्जाम्पल होता है ठीक है नेक्स्ट चीज पर पढ़ते हैं हम लोग ड्राई हीट मेथड में आपकी जो इंस्टुमें... टेम्परेचर अब देखो सबसे मैंने आपको क्या बोला यहाँ पे मैंने आपको बोला हॉट एयर ओन अब हॉट एयर ओन का क्या इस्तेमाल है टेम्परेचर क्या होता है टेम्परेचर सबसे पहले डिस्कस करते हैं टेम्परेचर ऑफ हॉट एयर ओन उसका कितना टेम्परेचर होता है अंदर का 160 सिक्सटी सेंटीग्रेड डिग्री सेंटीग्रेड फॉर टू आवर यदि किसी भी इंस्ट्रूमेंट को रखेंगे तो दो घंटे तक एक डिग्री सेंटीग्रेड पर यहाँ पे देखो सिंपल मैं आपको बता दूँ डाइग्राम में देखो ये जो चैम्बर है यहाँ पे सब लाइट वाइट दी होती है टेम्परेचर फिक्स करने का डिजिटल एक मीटर लगा रहता है यहाँ पे जो कि ऑलवस्ट टाइम आपको वहाँ पे बताता रहता है कितना टेम्परेचर है कितना नहीं है सब सेट कर लेते तो यदि हमको रखना है तो सिंपली हमको 160 डिग्री सेंटीग्रेड पे दो घंटे के लिए रखना पड़ेगा तब बैक्टीरिया मरेंगे यदि टेम्परेचर को बढ़ा दिया जाए एक डिग्री सेंटीग्रेड तो एक घंटे में ही वो स्टेलाइज हो जाएंगे सो दैट इज़ अ टेम्परेचर बहुत इंपॉर्टेंट है कि हॉट एयर का टेम्परेचर कितना होता है आपको एग्ज़ाम में पूछा जाता है याद रखना है एक डिग्री पे दो घंटे के लिए एक डिग्री पे एक घंटे के लिए और 180 डिग्री पे केवल 30 मिनट में ही बैक्टीरिया आपके किल हो जाते हैं यहां पे ठीक है ओके नेक्स्ट वेज पे हम लोग बढ़ते हैं यहां से अब देखते हैं कि यूज ऑफ स्टेलाइजेशन हॉट एयर उनका क्या यूज है क्या क्या चीजों के लिए यूज करते हैं स्टेलाइजेशन ऑफ डिफरेंट ग्लास ग्लास इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है एज लाइक सिरिंज फ्लास्क पिपेट टेस्ट ट्यूब देखो ग्लास वेयर बहुत सारे होते जैसे कि टेस्ट ट्यूब हुआ फ़्लास्क हुआ डिफरेंट टाइप के इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिनके लिए यूज़ करते इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर डिफरेंट सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट एज लाइक सीज़र एंड फोरसेप तो सीजर फोरसेप के लिए भी यहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है इसको ठीक है नेक्स्ट चीज़ देखिए इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर केमिकल सच एज लिक्विड पैराफिन एंड सल्फोनीमाइट पाउडर सल्फोनीमाइट पाउडर होता है उसके लिए और लिक्विड पैराफिन इन दोनों चीज़ों के लिए हम लोग हॉट एयर ओन का इस्तेमाल करते हैं देखो तीन चीजें यूज होती है सारे ग्लास ट्यूब फ्लास्क जो भी आपको लैब में ग्लास के कांच के इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो सबको स्टेलाइज करता है और सीजर फोरसेप वगैरह इन चीजों के लिए भी यूज होता है स्टेलाइजेशन के लिए ठीक है नेक्स्ट चीज बढ़ते हैं क्या क्या प्रिकॉशन सावधानियां क्या क्या रखना है हमें इट शुड नॉट बी ओवरलोड ऐसा नहीं कि आप पूरा हॉट एयर उनको भर दो या कॉमन चीज़ें द मटेरियल शुड बी अरेंज इन प्रॉपर मैनर देखो प्रॉपर तरीके से रखना ऐसे नहीं उल्टा सीधा भर दिया आपने स्टेलाइजेशन के लिए डिफरेंट टेस्ट ट्यूब फ्लास्क शुड बी फिटेड विथ कॉटन प्लग देखो आपको अगर टेस्ट ट्यूब फ्लास्क वगैरह रखना है इनको कॉटन के इनका जो मुँह रहता है वो कॉटन से प्लग लगा दो पैक कर दो ऐसा करना चाहिए पीपेड शुड बी कवर्ड बाई पेपर देखो पिपेट होते ना पिपेट्स वगैरह जो आपको सैंपल um, वगैरह लेने के लिए यूज़ होता है उन पिपेट को हमें प्रॉपरली एक पेपर से पैक करना चाहिए ठीक है लास्टिम रबर मटेरियल शुड नॉट बी प्लेस इन हॉट एयर ओन यार सही बात है अगर आप रबर मटेरियल को रखोगे तो 160 डिग्री पे तो कुछ भी पिघल जाएगा तो रबर मटेरियल जो स्टेलाइजेशन के लिए यूज़ होते हैं हमारे लेब में बट उनको हम लोग हॉट एयर ओन में नहीं रखते हैं नेक्स्ट थिंग अब देखो मोस्ट हीट में सबसे बड़ा एग्जाम्पल है ऑटोक्लेविंग अभी मैंने ड्राई हीट पढ़ाया अब मैं आता हूँ मोस्ट हीट के ऊपर नंबर वन है ऑटोक्लेविंग अभी ऑटोक्लेव क्या होता है ऑटोक्लेव इज़ अ इम्पोर्टेंट मेथड ऑफ मोस्ट हीट बिकॉज दिस मेथड स्टीम आर यूज विच इज अब हंड्रेड डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर सो इट इज बेस्ट एंड पावरफुल मेथड एज कंपेयर ड्राई हीट मेथड ड्राई हीट की तुलना में मोस्ट हीट ज़्यादा पावरफुल है व्हाट इज मेन रीजन रीज़न क्या है इसके पीछे भाई स्टीम इस्तेमाल होती है ऑटोक्लेव में स्टीम भाप का टेम्परेचर लोग ना आग से कम जलते हैं भाप से ज़्यादा जल जाता है आपने देखा होगा भाप अगर थोड़ी बहुत स्टीमिंग वगैरह हाई पानी से जल गए आप मिल्क वगैरह दूध वगैरह से जल गए तो ज़्यादा जलते फफोले हो जाते जबकि आग से जलने पर इतना नहीं जलते इसमें देखिए आप टेम्परेचर कितना होना चाहिए ऑटोक्लेव का 126 डिग्री सेंटीग्रेड 10 मिनट के 126 डिग्री सेंटीग्रेड पर रखोगे 10 मिनट के अंदर कोई भी बैक्टीरिया किल हो जाएगा 133 डिग्री सेंटीग्रेड पर रखोगे तीन मिनट के अंदर वो किल हो जाएगा तो ये इंपॉर्टेंट टेम्परेचर है जो आपको याद रखना है ठीक है यूज ऑफ ऑटोक्लेव ऑटोक्लेव का क्या यूज है ये मैंने आपको बताई दिया ठीक है ऑटोक्लेव का यूज़ आप एक बार और समझ लीजिए इट इज़ यूज टू स्टेलाइज कल्चर मीडिया जो लैब में कल्चर मीडिया यूज़ होता है ना कल्चर मीडिया आपको मैंने बताया हुआ है वो उसका सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट डिफरेंट डेंटल इंस्ट्रूमेंट बहुत सारे डेंटल इंस्ट्रूमेंट सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट का स्टेलाइजेशन uh, के लिए हम लोग ऑटोक्लेव का इस्तेमाल करते हैं इट शुड बी डिफरेंट ऑल्सो यूज फॉर डिफरेंट रबर मटेरियल भाई रबर मटेरियल के लिए भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि इसमें स्टीम होती है वो पिघल नहीं पाता स्टीम के थ्रू स्टेलाइज होता ऑटोक्लेविंग ऑल्सो यूज फॉर बायोकेमिकल वेस्ट बायोकेमिकल जो वेस्ट होते हैं ना उसको स्टिलाइज करने के लिए बैक्टीरिया को किल करने के लिए भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं रेडिएशन मेथड नेक्स्ट आती है रेडिएशन मेथड अब ये रेडिएशन मेथड क्या है रेडिएशन मेथड में सबसे नंबर वन पे आती है आइनोजिंग रेडिएशन आइनोजिंग रेडिएशन में क्या होती है आइनोजिंग रेडिएशन रेडिएशन का मतलब ऐसी रे जिसके द्वारा बैक्टीरिया को किल किया जाता है इज इम्पोर्टेंट मेथड इन विच डिफरेंट टाइप ऑफ रेडिएशन आर यूज कॉस्मेटिक रे गामा रे इन देखो कॉस्मेटिक रे गामा रे रे है रे, है, रे. इसके थ्रू हम क्या करते हैं किलिंग करते हैं किसकी बैक्टीरिया की क्यों क्योंकि इसके पास ज्यादा पावरफुल होती है दिस टाइप ऑफ रे हैज़ वेरी हाई पेनिट्रेशन पेनिट्रेशन मतलब चुभना पेनिट्रेट हो जाना किसी भी चीज के अंदर तक जाकर बैक्टीरिया को किल कर दीजिए पावरफुल मेथड होती है ये दिस टाइप ऑफ रे कैन ईजीली डी नेचर डी एन ए स्पोर्ट देखो ये जो ये रे होती है ना डी नेचर डी एन ने ए और स्पोर्ट्स को भाई अगर गाँव आ रहे हमारे लिए भी हार्मफुल है हमारे ऊपर जाएगी तो हमारे सेल के डीएनए को डी नेचर कर देगी उसको तोड़ देगी पर यह बैक्टीरिया को डी नेचर और स्पोर्ट्स को डी नेचर करने के लिए इस्तेमाल होती है दिस मेथड इज ऑल्सो नोन एज कोल्ड स्टेलाइजेशन अब देखो रेडिएशन मेथड को सॉरी रेडिएशन मेथड को मैं कोल्ड स्टेलाइजेशन क्यों बोल रहा हूँ इसका रीजन ये है क्योंकि इसमें हीट की आवश्यकता नहीं है कोल्ड मेथड इसलिए बोल रहा हूं कि इसमें हीट की रेडिएशन कहीं भी जाएगी तो गर्म थोड़ी होगी वो जगह वो तो किलिंग होगी नेक्स्ट चीज बढ़ते हम लोग यूज ऑफ आइनोजिंग रेडिएशन ठीक है गामा रेडिएशन विच इज कॉमनली अवेलेबल इन मार्केट कोबाल्टीन विच इज मेनली यूज फॉर स्टिलाईजेशन एंड डिस्पोजेबल ऑफ आइटन क्या क्या यूज़ है नंबर वन पे गामा रेडिएशन जो कि मार्केट में किस नाम से मिलती है कोबाल्ट सिक्सटीन के नाम से इसका इस्तेमाल स्टेलाइजेशन के लिए करते हैं जैसे कि प्लास्टिक सिरिंज का स्टेलाइजेशन डिसइनफेक्ट करना स्वैब जो कॉटन स्वैब माउथ में से स्वैब लेते हैं वो कल्चर प्लेट वगैरह हुई यूरिन कैथेटर हुए तो ये सारी चीज़ों को स्टेलाइज करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं कैनुला कैनोला वगैरह यूज़ हो गई अब बायोमेडिक बायोमेडिकल वेस्ट है तो इन लोग को इन चीज़ों के लिए भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं नेक्स्ट हम पढ़ते हैं एडवेंटेज ऑफ आइनोजिंग रेडिएशन के क्या एडवांटेज है फ़ायदे क्या क्या है इट इज़ वेरी रेपिडली मेथड बहुत जल्दी हो जाती है इट हैज़ हाई पेनीट्रेशन सबसे बड़ा पावरफुल है इसका ये हाई पेनीट्रीशन पावर इट इज़ कम्प्लीटली एब्सेंस ऑफ हीट ये हीट की अपसेंस में होती है टेम्परेचर इज नॉट रिक्वायर इसमें कोई भी प्रकार का टेम्परेचर इस्तेमाल नहीं होता है नेक्स्ट थिंग रेडिएशन मेथड में आपकी आती है नॉन आइनोजिंग रेडिएशन मेथड आप आइनोजिंग पढ़ी अब नॉन आइनोजिंग का मतलब क्या होता है दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट मेथड इन दिस मेथड स्पेशल टाइप ऑफ रे आर यूज जिसे बोलते हैं यू वी लाइट नेचुरली भगवान ने दी हुई है अल्ट्रा वोलेट रे सूरज से मिलती है जो कि नेचुरली पेनीट्रेशन पावर होती है पर हमें ज़्यादा नुकसान नहीं पहुँचाती है यू वी लाइट हैज़ वेवल टू फोर्टी टू एट्टी नैनोमीटर 240 से लेकर 280 नैनोमीटर तक इसकी पावरफुल होती है इट कैन डी नेचर बैक्टीरियल डी एन ये बैक्टीरियल डी को ही डी करती है तीस मिनट के अंदर उसे डी अगर आधी आधी घंटे के लिए हम बैक हम धूप में बैठ जाते हैं तो क्या होता है स्टेलाइज अब आपने देखा होगा तो नॉर्मली जो आ, जॉन्डिस होता है पीलिया होता है उसमें बोलते हैं धूप में ज़्यादा बैठो क्यों क्योंकि धूप में बैठे से जो बैक्टीरियल डी एन ए है वो डी नेचर हो जाता है दैट इज़ अ मेन रीजन यू वी लाइट रेडिएशन इज ऑल्सो यूजेशन ऑफ एरिया इन्फेक्टेड सरफेस इन्फेक्टेड सर्फेस वही अपनी बॉडी पे इन्फेक्शन है हम धूप में बैठ गए किसी भी जगह कोई यू वी लाइट आ गई स्टेलाइज होगी किसी धूप में रख देते आपको पता अपन किसी चीज़ों को धूप में रख देते स्टेलाइज हो जाती है साफ़ हो जाती है क्लीन हो जाती है इस चीज़ों के लिए हम लोग यूज़ करते हैं तो ओवरऑल अगर आपको कोई डाउट हो तो बताना मुझे ये आपका रेडिएशन मेथड यहाँ पे स्टेलाइजेशन मेथड कंप्लीट हो चुका है इसमें एक मेथड और बचती है केमिकल मेथड मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगा बट मोस्ट इंपॉर्टेंट यही है थैंक्स फॉर वाचिंग इंडियन मेडिकल लेक्चर प्लीज़ एक रिक्वेस्ट है आपसे आप वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और आप प्लीज़ मुझे फीडबैक जरूर कमेंट में दीजिएगा अगर आपको कोई डाउट रहता है डिस्क्रिप्शन में भी नंबर दिए हुए यहाँ पे मेरे नंबर दिए हुए प्लीज़ आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर कोई डाउट रहता है अगर आपको नोट्स वगैरह चाहिए अदर मेडिकल माइक्रोबाइलोजी से रिलेटेड आपको कुछ हेल्प चाहिए तो आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हो थैंक्स फॉर वॉचिंग इंडियन मेडिकल लेक्चर्स